ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप ठीक नहीं है, आप कुछ मत बोलिए प्लीज। चलिए पास में डॉक्टर है, चलिए। अरे ये क्या हुआ, इन्हें ये चोट कैसे लग गई राहुल? अरे कुछ नहीं हुआ भाभी, बस मामूली सा एक्सीडेंट है। डॉक्टर ने दवा दे दी है, बस अभी आराम आ जाएगा भैया। मैं एक ज्योतिषी के पास गया था तो उसने बताया कि अगर तुम्हारी बहन शादी करके इस घर में आएगी तुम पर भारी होगा। भाभी, भाभी, हाँ? परेशान मत होइए, भैया अभी ठीक है। लेकिन आनंद ये सब हुआ कैसे? अरे कुछ नहीं, बस गाड़ी चलाते चलाते चक्कर आ गया और ये एक्सीडेंट हो गया। थैंक गॉड कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरे सुहाग की रक्षा की। अरे तुम घबराती क्यों, देखो कल से मैं फिर से फिट हो जाऊंगा और फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, आप बिल्कुल एक दो दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे बस। अरे तो छुटकू राम, फिर ऑफिस के काम कैसे? अरे मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा बस। लेकिन राहुल तुम दोनों की हनीमून ट्रिप? भाभी भैया के लिए मैं ऐसे कई हनीमून ट्रिप कैंसिल कर सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान रखूंगा। अरे हनीमून का क्या है, आज नहीं तो कल से। क्यों नहीं? लेकिन मुझे इस घर में रहकर बार बार इसका चेहरा देखना पड़ेगा। अच्छा हुआ आनंद तुम्हारा घाव सूख गया। अरे मैंने पहले ही कहा था कि चोट ज्यादा नहीं आई है, तुम बगैर वजह इतना परेशान हो रही थी। वो तो तुमने आराम कर लिया इसलिए जल्दी ठीक हो गए, है ना? अरे इस पर मलहम लगाना है ना? मलहम तो मैं लाई नहीं, मीतू से मंगवा देती हूँ। मीतू, मीतू, मीतू! आशा तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, अगर तुमने ऐसे आवाज दी तो मैं अभी इस घर से चला जाऊंगा। मेरा इस घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता है। क्या तुम्हारा इस घर में दिल नहीं लगता? क्या बात है, क्या हुआ? आशा मैं बोर हो गया हूँ, आदमी कब तक बिस्तर पर लेटा रहेगा? मैं गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग मीतू, अच्छा हो तुम आ गई, थोड़ी हेल्प कर दो ना मेरी, मैं ये ब्लैक टी बाबूजी को देकर आती हूँ, तुम ये चाय दूध वाली जीजू को दे दो। ये दीदी ने मुझे किस दुविधा में फंसा दिया, अब क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे ये चाय अभी तक यहीं पड़ी है, मीतू ने चाय दी नहीं अपने जीजू को। लो ठंडी भी हो गई है, अब ये उठेंगे तो चाय चाय चिल्लाकर पूरा घर सर पे उठा लेंगे। मीतू, मीतू! जी दीदी। मीतू ये चाय तुमने अपने जीजू को क्यों नहीं दी? दीदी चाय में कुछ गिर गया था। गिर गया था तो फिर ठीक है, फेंक ही दे, खराब हो गई होगी। सुन दूसरी चाय चढ़ा दे।
दीदी दीदी वो क्या वो बोलना दीदी वो भी अभी तक उठे नहीं है मैं उनको जाकर उठा दूँ कोई जरूरत नहीं है जा उठा दे उस आलसी को तू अपने उनको उठा और मैं अपने उनको चाय देकर उठाती हूँ जा आनंद आनंद उठो 8 बज गए उठो 8 बजे हाँ लो चाय पी आज ऑफिस भी जल्दी पहुंचना है मुझे बहुत जरूरी काम है ऑफिस आनंद 2 ही दिन तो हुए तुम्हें घर में कितनी सारी चोटें लगी थी आज क्या जरूरत है ऑफिस जाने की आशा कहा ना जरूरी काम है तो राहुल संभाल लेगा ना राहुल जा ही तो रहा है ऑफिस और राहुल ने अपना हनीमून ट्रिप भी इसीलिए कैंसिल किया ना देखो मैं सिर्फ जरूरी काम करूंगा उसके बाद घर आके आराम करूंगा ठीक है क्या ठीक है तुम कभी मेरी सुनते हो क्या हमेशा वही करते हो जो तुम्हें करना है अच्छा छोड़ो ये चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है जाकर एक कप और बनाओ तब तक मैं नहा लेता हूँ मैं नाश्ते की टेबल पर वेट करती हूँ तुम्हारा अच्छा ठीक मैं हलवा सर्व कर देती हूँ ये हलवा तो मीतू ने खुद अपने हाथों से बनाया है तुम्हें बहुत पसंद है ना मुझे नहीं चाहिए अरे खा लो ना नहीं चाहिए मुझे कहा ना तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद करते हो मीतू एक काम कर तू ही अपने जीजू को ये हलवा खिला दे आज वैसे भी इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तू खिलाएगी तो इनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और ये खुश भी हो जाएंगी समझ में नहीं आता क्या मैंने कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए अच्छा ठीक है दूध तो पी लो नहीं पीना है मुझे दूध मुझे देर हो रही है पता नहीं आज क्या हो गया इन्हें ना नाश्ता किया ना दूध पिया आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं मुझे लगता है इन पर किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रेशर है दीदी आप बेकार में परेशान हो रही है जीजू जल्दी ही ठीक हो जाएगी हाँ वो तो है लेकिन मीतू मुझे इनकी एक आदत अच्छी नहीं लगती ये कोई भी बात मुझे बताते ही नहीं सब कुछ अपने दिल में रख लेते हैं मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन ये मुझे अपने मन की बात बताते ही नहीं है दीदी आप खामखा परेशान हो रही हैं जीजू के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है नीतू तू मेरा एक काम करेगी देख तू तो अपने जीजू से हर तरह से बात कर लेती है और तुझे याद है मेरी बीमारी के वक्त जब तू घर आई थी तूने सब कुछ कितने आराम से संभाल लिया था सब लोग कितने खुश थे बाबूजी और ये भी कितने खुश थे मीतू देख मुझे तो वो कुछ कहते नहीं है कम से कम तुझे ही बता देंगे बात करेगी ना उनसे नहीं दीदी मैं जीजू से बात नहीं करूंगी क्यों नहीं करोगी दीदी पहले मैं उनकी साली थी और अब मैं उनके भाई की बीवी हूँ तो वो मुझसे पहले की तरह बात थोड़ी करेंगे अच्छा उनके भाई की बीवी हुए तुम्हें सिर्फ कुछ दिन हुए हैं और साली तुम उनकी 3 साल से हो तो साली का हक ज्यादा हुआ ना ये फोन की घंटी भी पूरे घर में एक साथ नहीं बजती है हेलो हेलो आशा अरे तुम अभी मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी अच्छा आज रात को मैं जरा देर से आऊंगा एक जरूरी मीटिंग है ये क्या बात हुई आनंद
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम घर आ जाओ। आशा, मैंने कहा ना ये मीटिंग बहुत जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, और वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक है। आनंद, दिस इज नॉट फेयर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और मीतू, ले तू ही बात कर अपने जीजू से, मेरी तो कुछ सुनते नहीं है। हेलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आई हेट यू। मीतू, चुप क्यों हो गई, बात करना। वो दीदी फोन कट गया। फोन कट गया? लगता है मीतू को बुरा लग गया इनका इस तरह से फोन काटना। समझ में नहीं आ रहा इन्हें क्या हो गया है। ये इतना अजीब सा बिहेवियर। कहीं इन दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या करूं मैं? हेलो आनंद, क्या कर रहे हो? बहुत बिजी हो क्या? नहीं, बिजी नहीं हूं, बोलो क्या बात है। आनंद, क्या हो गया तुम्हें? क्यों, मुझे क्या हुआ है? तुम पहले जैसे नहीं रहे, कुछ अलग अलग सा बिहेव कर रहे हो। आशा, साफ साफ बोलो बात क्या है। तुम्हारा मीतू से कोई झगड़ा हुआ है? तुम दोनों आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे इन फिजूल के सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। आनंद, प्लीज टेल मी, क्या बात है? देखो, कुछ नहीं हुआ है और कोई बात नहीं हुई है। तुम्हारी बस आदत बन चुकी है दिल का ताड़ बनाने की। हेलो आनंद, दीदी आप, वो उनके सुबह जल्दी जाने की वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई थी, इसलिए। मीतू, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछिए दीदी। मीतू, तुम्हारे और तुम्हारे जीजू के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रही है दीदी? झगड़ा हुआ है क्या मीतू? नहीं दीदी। देख मीतू, अगर कुछ भी हुआ है तुम दोनों के बीच तो मुझे सब कुछ सच सच बता दे। तू जानती है ना, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मीतू, मुझे तुझ पर विश्वास है, मैं जानती हूँ तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। दीदी आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे और जीजू के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। सच में तू? तेरे और तेरे जीजू के बीच सब कुछ ठीक है? मीतू, तू सच कह रही है ना? तू नहीं जानती तूने मेरे दिल पर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। मैं डर गई थी मीतू। मैं भी ना, पता है ये ठीक ही कहते हैं, तुम तिल का तार कर देती हो। बाबूजी। हाँ बेटा। जब मैं आपका सर दबाती हूँ ना तो
मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है। अरे बेटा, तू भी तो मेरी बेटी ही है ना, हाँ? बेटियां ही तो इतनी सेवा करती हैं। अरे बाबूजी, आपके घुटनों का दर्द कैसा है? वो वैद्य जी की दवा का फायदा हो रहा है या नहीं? हाँ, अभी तो ठीक है बेटा। अरे हाँ, याद आया, आज सक्सेना से बात हुई थी, सोचता हूँ आज शाम उसके यहाँ चला जाऊँ। शाम को सारी मित्र मंडली वहीं होगी। बाबूजी, आप प्रोफेसर जब साथ में बैठकर डिस्कशन करने लगते हैं ना, तो आप लोगों की डिस्कशन नेवर एंडिंग डिस्कशन हो जाती है। और आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो आपके घुटनों का दर्द और बढ़ जाएगा। आप मत जाइए। मीतू, मीतू तेरा फोन देखना। हाँ, लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। एक मिनट है बाबूजी। ठीक है बेटा। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मीतू बोल रही हूँ। तुम्हारी फोन उठाने की जुर्रत कैसे हुई? नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी आवाज से। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी आवाज से। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे और जीजू के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। बेटी, किसका फोन था? बाबूजी, वो रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर?